तीन वेज पढ़ लिए, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, और जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब हम पढ़ेंगे चौथा वे, जो है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, क्रॉसिंग अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो ज़रूर क्रॉस होनी चाहिए. किसके अंदर? ऑस्मोसिस के अंदर. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस होनी चाहिए, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब कि अगर ये हमारे पास सेल है और वाटर जो है यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है, तो ये भी क्या ऑस्मोसिस है? तो इसका जवाब है नहीं, ये ऑस्मोसिस नहीं है. ऑस्मोसिस तब भी होगी जब एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस हो. बुक में हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, जो है हमारे पास एक यू शेप्ड बीकर की. फॉर एग्जाम्पल, वो मैंने यू शेप्ड बीकर बनाया, और बीच में यहाँ पे उन्होंने क्या है, एक एक जो है वो मेम्ब्रेन टाइप चीज़ है, जो पोर हैं, जिसके अंदर पोर हैं, जो मीन्स जो परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, पोर हैं. एक साइड उन्होंने सॉल्यूशन डाल दिया है ग्लूकोज का, एक साइड उन्होंने सॉल्यूशन डाल दिया है ग्लू वाटर एंड ग्लूकोज का, और दूसरे साइड सिर्फ प्योर वाटर हैं, दोनों इक्वल हैं. अब ये कहते हैं कि यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा हैं, और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं. यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम क्यों हैं? क्योंकि ये एक जितने हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है ये एक जितनी है. मतलब ये भी 2 लीटर हैं तो वो भी 2 लीटर हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कम हैं. तो जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, उतने ज़्यादा यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नहीं हैं. तो यहाँ पर जितने ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, वहाँ पर उतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल हैं. तो एज़ कम्पेयर, यहाँ पर बी साइड पर वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो कम हैं, और ए साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं. तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा भाई? थोड़ी देर के बाद ऑस्मोसिस होगी. ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या थी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मॉलिक्यूल का मूव होना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके. ये भाई मेम्ब्रेन आ गई हमारे पास, और यहाँ से वाटर ने मूव किया वहाँ पर. यहाँ पर वाटर हो गया कम, यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया ज़्यादा. तो यही इन्होंने समझाया इस प्रोसेस के थ्रू के ऑस्मोसिस क्या है, और एक एग्जांपल देके यू शेप्ड बीकर का हमें समझाया कि ऑस्मोसिस किस तरीके से होती है. अब ऑस्मोसिस डिपेंड किन चीज़ों पे करती है? ऑस्मोसिस वाटर पोटेंशियल पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे, और प्रेशर पोटेंशियल पे, और जो है वो दूसरे प्रेशर्स पे जो डिपेंड करती है. तो वो जो है वो हम इन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे. उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वे है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल मूव करते हैं, वो है हमारे पास इम्बिबिशन. इम्बिबिशन, इस इम्बिबिशन में क्या होता है? इस इम्बिबिशन में हमारे पास जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की एडसॉर्प्शन होती है. एडसॉर्प्शन होती है, एडसॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस. सर इसका क्या मतलब है? इस एडसॉर्प्शन का क्या मतलब है? देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरी हमारे पास होती है एडसॉर्प्शन. अब ये जो हमारे पास एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क क्या है? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर पोर्स हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स आए इन पोर्स के थ्रू इस जगह पर चले गए, ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स जमा हो गए. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे पास आए हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो मेरे पास आए हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या हुई है? एब्जॉर्प्शन हुई है. क्यों एब्जॉर्प्शन हुई है? क्योंकि ये एक ऐसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आए हैं जिसमें पोर थे. यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन है जिसके अंदर कोई भी पोर नहीं है, इट इज़ नॉट परमिएबल. तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आके अटैच हो गए, यहाँ पे आके अटैच हो गए, और इसकी साइज़ को क्या कर दिया? इसकी साइज़ को कर दिया इंक्रीज, स्वेल कर दिया. तो ऐसी अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडसॉर्प्शन जो वर्ड निकला है वो एडहेयर से निकलना है, निकला है एडहेयर. एडहेयर जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है चिपकना, एक टुगेदर रहना. तो इस तरीके से ये वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल सरफेस, सॉलिड सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एडसॉर्प्शन. ये किस में होते हैं? ये होती है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में. बुक में कुछ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस दिए गए हैं, कुछ नाम जैसे कि स्टार्च का दिया हुआ है, गम का दिया हुआ है, सेलुलोज का दिया हुआ है, और प्रोटीन का दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का दिया हुआ है. और ये बताया गया है कि डेड सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? इम्बिबिशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब एडसॉर्प्शन क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की. तो हमने 5 वेज पढ़े, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑस्मोसिस का पढ़ा कि किस तरीके से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. और इम्बिबिशन का पढ़ा अगर जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल या सेमी परमिएबल नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एडहेयर करते हैं. लास्ट
स्लाइड में हमने बात की थी अबाउट दी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारे पास कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि हमारे पास वाटर पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल पर। वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल की मीनिंग होती है एबिलिटी। पोटेंशियल की मीनिंग होती है किसी के अंदर कोई पोटेंशियल है, एबिलिटी है, टेंडेंसी है, तो वो एबिलिटी होती है। किस चीज़ की एबिलिटी है? पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी। एबिलिटी किसकी? वाटर की। एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वाटर मॉलिक्यूल की मूव करने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल। सिंपली व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल इज एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास एबिलिटी है, एबिलिटी टू मूव मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, ये हम एनर्जी जो हम वाटर में देखते हैं जो वो मूव करवाती है, इसे ये एनर्जी पर मोल है, पर मोल, पर किलोग्राम हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो वाटर मूव कर रहा है, कितनी मोल में कितनी एनर्जी चाहिए उसको मूव करने के लिए एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन तक, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो हमारे पास वाटर पोटेंशियल जो है वो हम पास्कल्स मीन्स प्रेशर के यूनिट में भी लेते हैं। हम उसको पास्कल के यूनिट में क्यों लेते हैं? आए हम उसको थोड़ा प्रूव करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी टू डू वर्क, तो ये हमारे पास एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मोल मीन्स किलोग्राम, और हमारे पास दूसरी जगह पास्कल, पास्कल मतलब फोर्स इनटू एरिया, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया, और एनर्जी इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन किलोग्राम। जो हमारे पास फोर्स है, जो हमारे पास फोर्स है मीन्स वो न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीटर। किलोग्राम हम तब लेते हैं जब हम वाटर को जो है वो हम मोल में ले रहे हों, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़ हम पास्कल तब लेते हैं जब हमें एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़। तो जब हम प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए लेते हैं तो हम सिर्फ वाटर के मोल नहीं लेते, हम वाटर की डेंसिटी लेते हैं। जैसे कि ये एक बीकर है, इसमें पानी है, ये पानी है, ये पानी जो है, ये पानी के अंदर कितनी पोटेंशियल है कि वो एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में मूव कर सकता है अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं। एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में मूव करता है अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है ये मैं सिर्फ पर मोल नहीं देखूंगा, उसके पर मैं डेंसिटी, उस वाटर की डेंसिटी देखूंगा। तो मैं डेंसिटी का यूनिट लिख लेता हूँ। डेंसिटी हम जो है वो वॉल्यूम में मेयर करते हैं, मीन्स एम क्यूब, और फोर्स मीन्स न्यूटन, ये एम स्क्वायर। तो एक एम को मैं दो से ये कैंसिल कर दूंगा, तो ये हमारे पास न्यूटन अपॉन एम स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे भी न्यूटन इंटू एम स्क्वायर हो गया। हैंस प्रूव्ड, यहाँ से हमने प्रूव किया कि मैं वाटर पोटेंशियल को पास्कल मीन्स प्रेशर में ले सकता हूँ, और जो मैं लेता हूँ वो मैं लेता हूँ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। मैं ये देखता हूँ कि ये जो पानी इस बीकर के अंदर है ये कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है अपने सराउंडिंग में। जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उतनी ज़्यादा उसकी वाटर पोटेंशियल होगी। वाटर पोटेंशियल जो है वो हमारे पास, हम एक मेगा पास्कल लेते हैं। एक मेगा पास्कल इज इक्वल होता है 9.87 एटीएम के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और उसके अलावा प्योर वाटर का जो हमारे पास पास्कल होता है वो 0 पास्कल होता है। हम वाटर पोटेंशियल को प्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जिसको मैं साय भी कहता हूँ, साय। अब जो है वो पी साइलेंट है, साय। अब जो प्योर वाटर है इसकी 0 होती है, इसका मतलब कोई ऐसा, ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर प्योर वाटर है, सिर्फ वाटर है, तो इसकी वाटर पोटेंशियल क्या होगी? 0, 0 साय। अगर ये मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने कुछ सॉल्यूट्स डाल दिए हैं, अगर इसके अंदर कुछ सॉल्यूट्स होंगे तो इसकी साय जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। कुछ सॉल्यूट हैं फॉर एग्जांपल -2 साय हो गई, या -2 पास्कल हो गई। और एक और हमारे पास है सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिए हैं, जिसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं तो वो साय जो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी -10 साय हो जाएगी। तो वाटर जो मूव करेगा अगर मैं इन तो तीनों सॉल्यूशंस को मिलाऊं, अगर मैं इन तीनों सॉल्यूशंस को एक ही बीकर में डाल के एक सेमी परमिएबल से सेपरेट करके मिलाऊं, तो वाटर जो मूव करेगा वो मूव करेगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब जहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, 0 मैक्सिमम है, उसके बाद -2 ज़्यादा है और -10 कम है। या इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि वाटर मूव फ्रॉम लोअर नेगेटिव
वाटर पोटेंशियल टू दी हायर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। तो आज हमने ये पढ़ा कि वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल वो एबिलिटी है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो मूव कर सकें एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन तक, और जो है वो हम मेयर करते हैं एनर्जी अपॉन मोल में, लेकिन उसको हम फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़ ये देखने के लिए कि भाई जो है वो एक बीकर के अंदर जो पानी पड़ा है वो अपने कितनी एबिलिटी है उसके अंदर मूव करने की, तो वो मैं प्रेशर चेक करता हूँ जो वो एक्सर्ट करता है। क्यों प्रेशर चेक करता हूँ? क्योंकि उसको हैंस प्रूव न्यूमेरिकली कि हम इस तरीके से मैं मेगा पास्कल भी यूज़ कर सकता हूँ। एक मेगा पास्कल किसके बराबर है? प्योर वाटर की जो है वो ज़ीरो वाटर पोटेंशियल होती है। और उसके बाद मैंने ये देखा कि जो वाटर मूव करता है फ्रॉम लोअर नेगेटिव पोटेंशियल टू हायर नेगेटिव पोटेंशियल। अभी हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर जो सॉल्यूशन लगाता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन टू रिजिस्ट फर्दर इंटेक ऑफ वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन लगाए और ज़्यादा वाटर ना लेने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, ये बीकर में एक मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर प्योर वाटर है और यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट्स हैं। थोड़ी देर के बाद इसी बीकर के अंदर इस साइड पे पानी कम हो जाएगा और साइड पे पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो वाटर अब और ज़्यादा वाटर यहाँ पर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर इतना बढ़ गया है कि वो पूरी तरीके से रिजिस्ट कर पा रहा है फर्दर इनटेक ऑफ वाटर को। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पहले भी लग रहा था, पहले भी यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था, लेकिन वो वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं था, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा था। इस वजह से When water potential is greater than the osmotic pressure, water flows. When water potential is less than the osmotic pressure, जहाँ यहाँ पर water potential कम है osmotic pressure से, इस वजह से पानी flow नहीं कर रहा। जितने उसके बाद osmotic pressure को दूसरे term से compare किया जाता है जो है हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल। हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम प्रेशर पोटेंशियल क्यों कहते हैं? व्हेन इट कम्स टू सेल, सॉल्यूशन नहीं, सेल की जब हम बात करते हैं, सेल में जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, ये सेल है, प्लांट का सेल है, सेल वॉल है, जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाता है अपनी वॉल पर। दैट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जर्टेड बाय सॉल्यूशन ऑफ सेल टू द सेल वॉल और द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। जो एक बुक में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है ऑस्मोटिक प्रेशर के हवाले से कि इट इज़ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। मतलब ये वाटर की टेंडेंसी नहीं है कि जिसके थ्रू वाटर मूव करता है, लेकिन उसकी मेजर है। फॉर एग्जांपल इसी सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यही हमारे पास वो बीकर है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस सॉल्यूशन का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज़्यादा वाटर का पोटेंशियल होगा तभी वाटर मूव करेगी। मींस जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो इस बी साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेजर है किसकी? वाटर पोटेंशियल की। मतलब यहाँ पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर एग्जांपल -3 psi है या -3 pascal है, तो यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो 3 से ग्रेटर ही होगा। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। फिर जब यहाँ पर दूसरा फेज आ गया, अब यहाँ पर जो इसका ऑस्मोटिक होगा वो फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे इसका अभी -6 है, तो मीन्स यहाँ पर -6 से ज़्यादा नहीं था जिसकी वजह से वाटर वहाँ पर मूव नहीं कर सका। दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना, बिकॉज इट इज़ टू डिफरेंट टर्म्स। ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमारे पास पोटेंशियल है, एबिलिटी है किसकी? सॉल्यूशन की। क्या करने के लिए? टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचने के लिए जो पोटेंशियल, जो एनर्जी, जो टेंडेंसी की ज़रूरत होती है उसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होती है जितने ज़्यादा सॉल्यूट्स हमारे पास, जितने ज़्यादा सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स होंगे उतनी कम होगी हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर को खींचने की ताकत। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर कुछ कम सॉल्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल -2 pascal हैं। फिर हमारे पास एक और सॉल्यूशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं और जिसका है -6 psi या -6 megapascal। तो जो हमारे पास अब जैसे यहाँ पे सॉल्यूट बढ़ गए, एज देर इज़ इंक्रीज इन द सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स कम है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? बढ़ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर मूव्स,
वाटर मूव्स फ्रॉम लेस नेगेटिव, वाटर मूव्स फ्रॉम लेस नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल, फ्रॉम लेस नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू हायर नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल। वाटर कहाँ से मूव करता है? फ्रॉम लेस नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू, फ्रॉम लेस लेस नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अगर इनको हम मिला दें बिटवीन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो वाटर यहाँ पर मूव करेगा। इसी के साथ हमने सबसे पहले ऑस्मोसिस देखा। ऑस्मोसिस डिपेंड करता है किस पे? वाटर पोटेंशियल पे। अगर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो ही वाटर मूव करेगा, और अगर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर मूव नहीं करेगा। वाटर को रिजिस्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रेशर जनरेट होगा। अगर हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन की, तो इसका मतलब वो और ज़्यादा वाटर को अपनी तरफ खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, और अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम है तो वो ज़्यादा वाटर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता।